हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम पढ़े थे किंगडम प्रोटिस्टा। क्या पढ़े थे? किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम पढ़े थे क्राइसोफाइट्स, उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट, उसके बाद युग्लिनोफाइटा या युग्लिनोइड्स। ठीक है, आपको पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में कितने सारे डिवीजन है भाई? फाइव डिवीजन है, जिसमें से तीन डिवीजन हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या? पहला क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा युग्लिनोइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड्स जो हम अभी पढ़ेंगे, और पांचवा प्रोटोजोआ। क्या? पांचवा प्रोटोजोआ। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे स्लाइम मोल्ड्स। क्या? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स, क्लियर है? स्लाइम मोल्ड्स का दूसरा नाम मिक्सोमाइसिटीज भी होता है। क्या होता है? मिक्सोमाइसिटीज। तो नेक्स्ट, और इसको क्या कहते हैं? मिक्सोमाइसिटीज। हाँ, इसका दूसरा नाम मिक्सोमाइसिटीज के अलावा इसका दूसरा नाम क्या होता है? फॉल्स फंजाई। क्या? फॉल्स फंजाई के नाम से भी इसको जानते हैं, या इसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। फॉल्स फंजाई क्यों? क्योंकि इसके इसके पास फंजाई की जैसा अपीयरेंस है, लेकिन ये फंजाई नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं फॉल्स फंजाई, या इसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, वो क्या है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है सर? तो वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड का डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द सेल करते हैं, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, या वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं। क्या? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स है, ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट या सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। क्लियर? हाँ भाई, तो इसमें लिखेंगे स्लाइम मोल्ड्स में जो सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? कि भाई वैसे ऑर्गेनिज्म, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो वैसे होते हैं जो स्लाइमी मास के जैसा जिनका डेवलपमेंट होता है। कैसा? स्लाइमी मास के जैसा डेवलपमेंट होता है। कब? जब ये वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं तब। क्या? जब ये वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं तब इसका जो ग्रोथ होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, वो कैसा होता है? स्लाइमी मास के जैसा होता है। स्लाइम मतलब चिपचिपा मास के जैसा होता है। ये डेड प्लांट्स पे या डेड प्लांट प्रोडक्ट पे, ठीक है, जैसे डेड प्लांट का लीफ हो गया, डेड प्लांट का क्या हो गया, पतला पतला स्टेम हो गया, थिन स्टेम। एनसीईआरटी थिन स्टेम के लिए टर्म यूज करता है ट्विग्स। क्या? ट्विग्स का मतलब होता है प्लांट्स का थिन स्टेम, ठीक है, या फिर प्लांट्स का ब्रांच। तो प्लांट्स के डेड थिन स्टेम पे या प्लांट्स के लीफ पे स्लाइमी मास के जैसा इसका डेवलपमेंट होता है। किसका? स्लाइम मोल्ड्स का। इसलिए इसका नाम क्या है? स्लाइम मोल्ड। क्या नाम है भाई? स्लाइम मोल्ड। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इतने सारे नाम आपको याद रखना है, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स का, मिक्सोमाइसिटीज, फॉल्स फंजाई या सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। चलिए स्लाइम मोल्ड्स के लिए लिखते हैं। क्या? दिस ऑर्गेनिज्म डेवलप अ स्लाइम मास एट द टाइम ऑफ कब? एट द टाइम ऑफ देयर वेजिटेटिव फेज। एट द टाइम ऑफ देयर वेजिटेटिव फेज, ये अपने वेजिटेटिव फेज के समय क्या स्लाइम मास का प्रोडक्शन करते हैं। ये कहां पे बनते हैं? इनका ग्रोथ कहां पे होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ कहां पे होता है? डिकेइंग ट्विग्स यानी सड़ता हुआ प्लांट्स का ट्री, प्लांट्स का ब्रांच, या फिर डिकेइंग लीव्स पे ये ग्रोथ करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे, दे आर फाउंड ऑन
became twigs and leaves. Yeah. नेक्स्ट पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है, सुटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स प्लाज्मोडियम बनाता है. क्या? सुटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम बनाता है. सुटेबल कंडीशन कहने का मतलब क्या है? सुटेबल कंडीशन कहने का मतलब है जब इसको प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा, खूब सारा डेड एंड डिकिंग प्लांट प्रोडक्ट मिलेगा, तो उस समय ये एग्रीगेशन, सेल का एग्रीगेशन बनाता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम. क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम बनाता है. ये प्लाज्मोडियम मैट के जैसा ग्रो करता है. कैसा ग्रो करता है भाई? मैट के जैसा ग्रो करता है. 3-4 feet का ये मैट के जैसा क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है. ठीक है, इसका जो ग्रोथ होता है वो चटाई के जैसा होता है, जैसे जमीन पे चटाई बिछाते हैं ना, मैट बिछाते हैं, वैसा ये ग्रोथ करता है. या इसका ग्रोथ किसी चेन के जैसा हो सकता है. क्या हो सकता है? किसी चेन के जैसा ग्रोथ हो सकता है. या इसका ग्रोथ कैसा हो सकता है भाई? मैट के जैसा ग्रोथ हो सकता है. ऐसा नहीं माउंटेन के जैसा इसका ग्रोथ नहीं. एनसीईआरटी लिखता है ना कि फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाता है और ये स्प्रेड होता है सेवरल फीट तक. सेवरल फीट कहने का मतलब है, अब आपको लगता है 4 feet तक ये स्प्रेड होता है या 5 feet तक स्प्रेड होता है, तो लगता है कि 4 या 5 feet हाइट नहीं, हाइट नहीं, क्या मैट के जैसा सरफेस पे या बोलो ना, या चेन के जैसा सरफेस पे ये क्या करता है? स्प्रेड होता है. कौन? स्लाइम मोल्ड्स. ठीक है, एक बार फिर से, स्लाइम मोल्ड्स फेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ करता है और क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम बनाता है. क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम क्या है सर? सिंपल सा मतलब आप समझिए, प्लाज्मोडियम क्या है? अगर स्लाइम मोल्ड्स को सुटेबल कंडीशन मिलेगा तो इसका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा. क्या होगा? वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, बहुत सारा ग्रोथ करके ये क्या बनाएगा? प्लाज्मोडियम बनाएगा. क्या बनाएगा भाई? प्लाज्मोडियम बनाएगा. क्लियर है? ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? बहुत सारे सेल का एग्रीगेशन होता है. क्या होता है? बहुत सारे सेल का एग्रीगेशन होता है. और वैसे भी सेल, जब एक सेल दो सेल बहुत सारे सेल फ्यूज करते हैं ना प्लाज्मोडियम में, तो इनके बीच का जो सेल वॉल होता है ना, ये डिजॉल्व हो जाता है. क्या हो जाता है? बीच का सेल वॉल डिजॉल्व हो जाता है. तो अगर एक सेल और दूसरा सेल, सेल का फ्यूजन हो रहा है लेकिन दोनों के बीच का सेल वॉल डिजॉल्व हो रहा है ना, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन. क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन. सिंपल सा मतलब आप समझिए कि एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, मान लेते हैं 6 सेल आपस में फ्यूज हुआ, उसके बीच का जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल ये क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गया. ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही सेल है लेकिन बहुत सारा, बोलो ना, एक ही सेल है लेकिन बहुत सारा न्यूक्लियस है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाता है. जब सेल का फ्यूजन हो जाता है तो क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाता है. और सेल फ्यूजन के कारण जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है ना, इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन. क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन. तो प्लाज्मोडियम ऐसा ही बन जाता है, सिनोसिटिक कंडीशन हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाता है. क्लियर है? ऐसा लगता है कि एक प्रोटोप्लाज्म है, उसमें बहुत सारा क्या है, बोलो ना, न्यूक्लियस है. क्लियर है? तो ऐसा कंडीशन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं. क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं. देखते हैं, ये तो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्लाइम मोल्ड्स कब फेवरेबल कंडीशन में जब ग्रोथ करता है तो क्या बनाता है? आपका जवाब होगा क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम बनाता है. क्या बनाता है भाई? प्लाज्मोडियम बनाता है. चलो इस चीज को लिख लेंगे. क्या लिखा है? अंडर सुटेबल कंडीशन under suitable condition they form an aggregation under suitable condition they form an aggregation called plasmodium. क्या कहलाता है भाई? प्लाज्मोडियम कहलाता है. विच मे ग्रो, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा, ये जो प्लाज्मोडियम है इसी में लिखो, विच मे ग्रो सेवरल फिट
विच मे ग्रो सेवरल फिट. क्लियर है? नेक्स्ट, ये सेवरल फिट कैसा ग्रो करेगा? चैन लाइक या फिर इसका ग्रोथ क्या मैट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हाँ भाई, नर्सोटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम. नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि प्लाज्मोडियम क्या होता है. क्या प्लाज्मोडियम क्या होता है? हाँ भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा ऐसा. प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है. क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास. क्या कहलाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास क्या कहलाता है? बोलो ना. प्लाज्मोडियम कहलाता है, या इसको कहते हैं वॉललेस सिनोसिटिक कंडीशन. क्या कहते हैं? वॉललेस सिनोसिटिक कंडीशन. सेल वॉल का फ्यूजन होता है ना, तो वॉललेस सिनोसिटिक कंडीशन हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनफेवरेबल कंडीशन में. क्या अनफेवरेबल कंडीशन में? हाँ भाई, अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड क्या बनाता है? बोलो ना, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है. क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी बनाता है. फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड क्या बनाता है? फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड क्या बनाता है? तो फेवरेबल कंडीशन में बनाता है प्लाज्मोडियम. अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी बनाता है. क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी. फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होता है स्पोर्ट्स. क्या स्पोर्ट्स? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इंपॉर्टेंट है. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट इंटू प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट इंटू अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट इंटू फ्रूटिंग बॉडीज. क्या डिफ्रेंशिएट हो जाता है? किसमें? फ्रूटिंग बॉडी में. और उस फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे क्या प्रेजेंट होता है? स्पोर्ट्स प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है भाई? स्पोर्ट्स प्रेजेंट होता है. तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट इनटू फ्रूटिंग बॉडीज फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्ट्स bearing spores at their tip. और उसके टिप पे क्या होते हैं? बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं. ठीक है, ये स्पोर्स वाटर करेंट से नहीं, एयर करेंट के द्वारा डिस्पर्स होता है. किससे? एयर करेंट से ये डिस्पर्स होता है. और ये स्पोर्स जहां पे जाएगा वहां पे फेवरेबल कंडीशन अगर मिलेगा तो फिर से ग्रोथ करेगा और प्लाज्मोडियम बनाएगा. प्लाज्मोडियम को यानी स्लाइम मोल्ड्स को क्या अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो तुरंत क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा. क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडी. चलिए एक हाइपोथेटिकल डायग्राम से इसको समझने का कोशिश करते हैं. हाइपोथेटिकल डायग्राम है कि भाई ये मैट लाइक, ये चैन लाइक, क्या मैट लाइक है, चैन लाइक है, प्लाज्मोडियम क्या लेकिन इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है. क्या अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है. किसमें? फ्रूटिंग बॉडीज में. क्या फ्रूटिंग बॉडीज में? ये हो गया फ्रूटिंग बॉडी. क्या हो गया? ये फ्रूटिंग बॉडी. ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडीज हो गया. और इस फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे बाहर की तरफ यानी एक्सोजेनियसली, क्या बाहर की तरफ यानी एक्सोजेनियसली, ये क्या बन रहे हैं? स्पोर्स बन रहे हैं. क्या बन रहे हैं? स्पोर्स बन रहे हैं. क्लियर है? ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं.
क्लियर क्या स्पोर्स बन रहे हैं, ये वाटर करेंट नहीं है, ये एयर करेंट से क्या होते हैं डिस्पर्स होते हैं, क्या एयर करेंट से डिस्पर्स होते हैं, तो ये हो गया स्पोर्ट्स। क्या इस स्पोर्ट्स का जो सेल वॉल होता है ना वो हाईली रेजिस्टेंस होता है, जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन से क्या करता है बचाता है, इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स डिस्पर्स बाय एयर करेंट, इसके जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एयर करेंट से डिस्पर्स होते हैं, और ये जो स्पोर्ट्स है ना इसके पास होता है सेल वॉल। क्या होता है हाईली रेजिस्टेंट सेल वॉल होता है, ये भूल वाला कह रही है आपको, हाईली रेजिस्टेंट सेल वॉल जो इसको सर्वाइव करने में मदद करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्लाइम मोल्ड्स का स्पोर्ट्स है ना ये सालों तक क्या करता है सर्वाइव करता है, और जैसे ही इसको सुटेबल कंडीशन मिलता है, सुटेबल कंडीशन कहने का मतलब है प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, समझना क्या, प्रॉपर फूड मिलता है, प्रॉपर डेड एंड डिकिंग प्लांट प्रोडक्ट मिलता है, वहां पे ये क्या करेगा ग्रोथ करेगा, क्या करेगा ग्रोथ करेगा, और फेवरेबल कंडीशन में बनाएगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी, उसके बाद स्पोर्ट्स होगा, ये स्पोर्ट्स में बन फ्रूटिंग बॉडी बाद स्पोर्ट्स होगा, ये स्पोर्ट्स के पास हाईली रेजिस्टेंट सेल वॉल होता है जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, और फिर इससे इसको सुटेबल कंडीशन मिलेगा, फिर से ये स्पोर्ट्स ग्रो करेगा और क्या बना देगा प्लाज्मोडियम बनाएगा, यही कहानी चलेगा। ठीक है, तो भाई ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है, इसमें एक छोटा सा था स्लाइम मोल्ड जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल्स फंजाई किसको कहते हैं आंसर चला जाएगा, बोलो ना स्लाइम मोल्ड, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट किसको कहते हैं आंसर चला जाएगा स्लाइम मोल्ड, मिक्सोमाइसिटीज में क्या आता है आंसर चला जाएगा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है बोलो ना भाई फ्लोटिंग बॉडीज बनाता है, क्या बनाता है फ्लोटिंग बॉडीज बनाता है, उस फ्लोटिंग बॉडीज को होते हैं स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अंदर की तरफ होते हैं या बाहर की तरफ होते हैं, जवाब होगा बाहर की तरफ होते हैं, मतलब एक्सोजेनियसली होते हैं, ये जो स्पोर्ट्स है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है अनफेवरेबल कंडीशन में भी, इसका डेथ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है, क्या है सेल वॉल है जो इसको एडवर्स कंडीशन से बचाता है, खत्म। नेक्स्ट अपना जो डिवीजन है प्रोटिस्टा किंगडम का वो क्या है बोलो ना, क्या है डिवीजन कौन सा है अगला, प्रोटोजोआ, क्या है प्रोटोजोआ, तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, क्या प्रोटोजोआ, क्लियर है, चलिएगा सुनिएगा, प्रोटोजोआ जो होते हैं ना ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, क्या होते हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे एनिमल हेटरोट्रॉपिक होते हैं ना वैसे ही प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा तो चाहे हम क्राइसोफाइट्स पढ़े, चाहे डाइनोफ्लैजेलेट पढ़े, चाहे युग्लिनोफाइटा पढ़े या युग्लिनोइड्स पढ़े, चाहे स्लाइम मोल्ड्स पढ़े, चाहे प्रोटोजोआ पढ़े, सब में एक चीज तो कॉमन है सर, वो क्या है, वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, क्या है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो प्रोटोजोआ, सारे प्रोटोजोआ होते हैं ना वो क्या होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, एक बार फिर से क्या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम क्या है, हम भी तो हेटरोट्रॉपिक हैं, लेकिन हम क्या है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो बने किससे होंगे यूनिसेलुलर वाले से, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा, और क्या बन गए हम हेटरोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रिमिटिव रिलेटिव जो है ना वो क्या है बोलो ना, हमारे प्रिमिटिव रिलेटिव क्या है भाई, या किसी भी एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव कौन है प्रोटोजोन से, क्या है प्रोटोजोन से, क्योंकि यहीं पे आया था हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल लाइफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटोजोआ, जिसमें आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स, क्या ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स, सारे प्रोटोजोन्स क्या होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स भी दो तरह का होता है, एक तो ये प्रीडेटर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं प्रीडेटर हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाएंगे, या फिर ये पैरासाइट हो सकते हैं,
क्या हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं, क्लियर है। तो या तो ये प्रीडेटर हो सकते हैं या तो ये पैरासाइट हो सकते हैं, आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, क्या है ये, प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स के, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम प्रोटोजोन्स को मेनली फोर टाइप्स में डिवाइड करेंगे, क्या प्रोटोजोन्स को मेनली फोर टाइप्स में डिवाइड करेंगे, या फिर आप ये वाला तुमको याद है, देखो ना, किंगडम, फाइलम, या इसको कहते हैं डिवीजन, केपीसी और क्लास। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, क्लास, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आता है स्पीसी। तो हम किंगडम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का डिवीजन, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा का डिवीजन पढ़ रहे हैं, क्या बोलो ना, कौन सा डिवीजन, प्रोटोजोआ, कौन सा डिवीजन, प्रोटिस्टा का कौन, प्रोटिस्टा किंगडम का कौन सा डिवीजन, प्रोटोजोआ डिवीजन। अब डिवीजन को भी अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो ना, क्या पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लास, क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास के ऊपर प्रोटोजोआ का, ठीक है। इन प्रोटोजोआ को मेनली फोर पार्ट्स में पढ़ेंगे, कौन कौन सा, फोर क्लास इसका होता है, या फिर प्रोटोजोआ को फर्दर फोर टाइप में मेनली डिवाइड किया गया, पहला एमीबॉइड प्रोटोजोअन, दूसरा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन, तीसरा सिलिएटेड प्रोटोजोअन, और चौथा स्पोरोजोअन्स, क्या स्पोरोजोअन्स। तो नेक्स्ट प्रोटोजोअन्स, और प्रोटोजोअन्स को हम चार पार्ट में पढ़ते हैं, फोर पार्ट में पढ़ते हैं, कौन कौन सा, एमीबॉइड प्रोटोजोअन, कौन कौन सा भाई, एमीबॉइड प्रोटोजोअन, नेक्स्ट एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के बाद एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बाद एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, क्या सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बाद स्पोरोजोन्स, क्या भाई स्पोरोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स का जो एग्जांपल है वो है अमीबा, और दूसरा है इंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, क्या है, और सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स का एग्जांपल जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है, हजारों सीलिया प्रेजेंट होता है, उसका एग्जांपल है पैरामीशियम, क्या, और स्पोरोजोअन्स जो अपने लाइफ में इंफेक्टिव स्पोर्स को बनाता है उसको कहते हैं स्पोरोजोअन्स, इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, है प्लाज्मोडियम, तो पता है बचपन से प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, बोलो ना, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, क्या मलेरिया कॉज करता है, क्लियर है। तो एक एक करके सब क्लास को देखते हैं या सारे प्रोटोजोन्स को देखते हैं, तो फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा एमीबॉइड प्रोटोजोन, क्या एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। रिकैप करना, पहला प्रोटोजोआ क्या था, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, नेक्स्ट क्या है भाई, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, नेक्स्ट क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, एंड देन नेक्स्ट स्पोरोजोन्स, क्या है, स्पोरोजोन्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हेडिंग देंगे एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, क्या एमीबॉइड
अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, और अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्मेटिक होते हैं. क्या होते हैं? एक्मेटिक होते हैं. वैसे हम आपको बताते हैं जो भी प्रोटोजोन्स हैं वो क्या है, मोस्टली क्या है, मोस्टली क्या सारे प्रोटोजोन्स क्या है, एक्वेटिक है. लोअर ऑर्गेनिज्म अगर है तो क्या होगा, एक्वेटिक होगा. क्या होगा? एक्वेटिक होगा. धीरे धीरे ये इसका इवोल्यूशन होगा, तो वाटर से ये क्या होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, लेकिन धीरे धीरे. एमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं. और एक्वेटिक कहने का मतलब है ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे. कहाँ प्रेजेंट होंगे? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे. उसके अलावा ये मेराइन वाटर या सी वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ये मेराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे. उसके अलावा ये मेराइन वाटर के अलावा ये मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होंगे. कहाँ पे प्रेजेंट होंगे भाई? मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं. कहाँ पे? मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं. वैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स या वैसे अमीबा, अमीबा से अच्छा है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. वैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो हमें मेराइन वाटर में रहते हैं या जो सी वाटर में रहते हैं, उसके आउटर सरफेस पे सिलिका का सेल होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, हम बार बार बोलते हैं लेकिन इस बार आएगा. समझा गया? एक बार सुनना भाई ध्यान से. मेराइन वाटर या सी वाटर में पाए जाने वाले अमीबॉइड प्रोटोजोआ के आउटर सेल पे, आउटर सरफेस पे क्या होता है, सिलिका का सेल होता है. क्या होता है? सिलिका का सेल होता है. तो इसमें लिखिएगा सिलिका सेल प्रेजेंट ऑन देयर आउटर सरफेस. क्या? सिलिका सेल प्रेजेंट ऑन देयर आउटर सेल. इसके आउटर सेल पे सिलिका का सॉरी आउटर सरफेस इसके आउटर यहां पे सेल पर हमें इसके आउटर सेल पे इसके आउटर सरफेस पे सिलिका का सेल होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? और ये सिलिका सेल प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पे किसके सेल्स, मेराइन वाटर वाले, मेराइन वाटर या सी वाटर वाले अमीबॉइड प्रोटोजोआ के आउटर सरफेस पे. क्लियर? इसका एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं. एक तो अभी यहाँ पे लिख रहे थे ना, हाँ बोलो, अमीबॉइड प्रोटोजोआ का एग्जांपल क्या है, अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. क्या? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे होता है अमीबिये पेचिस या अमीबिये डिसेंट्री. एक बार और एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार. कैसे पूछा जाता है? पूछ लेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल बताइए. ठीक है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस आपको बताना होगा, या फिर लिस्मैनिया डोरोमोनी आपको बताना होगा, या फिर ट्राइकोमोनास रेजिनेलिस आपको बताना होगा. इस तरह से सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल बताइए, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिएटेड प्रोटोजोआ, आपको टिक करना होगा पैरामीशियल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पोरोजोन्स, ठीक है, आपको टिक करना होगा प्लाज्मोडियम. इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए. हाँ भाई, तो इसका एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं. क्या? एक तो हो गया अमीबा और दूसरा हो गया इंट अमीबा हिस्टोलिटिका. क्लियर? क्लियर. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बाद. क्या था बोलो? क्या था? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. बिल्कुल सही, पता नहीं आप बोल भी रहे हैं कि नहीं. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बाद क्या है बोलो ना? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास लोकोमोशन के लिए क्या है, फ्लैजिला है. क्या है? फ्लैजिला है. तो ये फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, जहां पे इसको खाना मिल जाता है वहां पे ये खा लेते हैं. फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स होते हैं. क्लियर है? ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं. क्या? ये फ्री लिविंग होते हैं और ये पैरासिटिक होते हैं. क्लियर? तो याद रखना है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं. क्या? फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं.
चलिए कुछ पैरासिटिक का एग्जांपल देखते हैं, क्या कुछ पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअल्स का एग्जांपल देखते हैं। पहला तो हो गया ट्रिपैनोसोमा, गैम्बियंस क्या है ना, जीनस और स्पीसीज लिखते हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं, सब जूलॉजिकल नहीं है, दोनों को अलग लिखते हैं। जीनस जब भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से, और स्पीसीज जब भी लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से, ये सब याद है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल, बिल्कुल सही। चलिए तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये होता है, ये कॉज करता है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, क्या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस क्या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस का, स्लीपिंग सिकनेस। कौन स्लीपिंग सिकनेस, आप हमेशा स्लीपरी फील करेंगे, मन करेगा बस सो जाए सुनो सो जाए, है ना, इस तरह से स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और इसका जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर यानी पानी से लेके आप तक पहुंचाया कौन, ऐसा थोड़ा होता आप गंदा पानी पीने गए, समझ में आ गया, फिर वैसा पानी पीने गए जिसके अंदर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, तो इसको आप तक पहुंचाता है, उसको कहते हैं वेक्टर, क्या वेक्टर, जो पैथोजन को ह्यूमन से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं वेक्टर, और इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई, कौन है सीसी फ्लाई, टीएसई, किसी टीसी मत पढ़ना, क्या सीसी फ्लाई, टी साइलेंट होता है, क्या इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। नेक्स्ट ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बाद एक दूसरा पैरासिटिक है ट्राइकोमोनास रेजिनेलिस, क्या ट्राइकोमोनास रेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास रेजिनेलिस, और ये ट्राइकोमोनास रेजिनेलिस ल्यूकोरिया कॉज है, क्या ल्यूकोरिया कॉज करता है, क्या कॉज करता है भाई, ल्यूकोरिया कॉज करता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ल्यूकोरिया, क्लियर। तो ट्राइकोमोनास रेजिनेलिस कॉज करता है, ये भी क्या है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है, ट्राइकोमोनास रेजिनेलिस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है। नेक्स्ट आता है लिस्मेनिया डोनोमनी, क्या लिस्मेनिया डोनोमनी, लिस्मेनिया डोनोमनी ये कॉज करता है, लिस्मेनिया डोनोमनी काला जार, क्या जो कॉज करता है काला जार, क्लियर। और ये फैलता है यानी इसका वेक्टर होता है सैंड फ्लाई, क्या सैंड फ्लाई, ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसी फ्लाई ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का वेक्टर है यानी स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है, काला जार का वेक्टर है सैंड फ्लाई, कौन सैंड फ्लाई। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद लिस्मेनिया डोनोमनी के बाद क्या नेक्स्ट है, पहला तो पढ़ लिए ना यार, क्या पढ़ लिए अमीबॉइड प्रोटोजोअन, देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, देन सीलिएटेड प्रोटोजोअन, नेक्स्ट हेडिंग देंगे सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। देखो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, बार बार बोलते हैं, ठीक है, इस बार नीट 2020 में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, समझ में आ गया, ये हमेशा ही होता है, ठीक है, ठीक है, दो चार पांच क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी के बाहर, तो कोई बात नहीं, सबके लिए होता है, समझ में आया, इसलिए घबराना नहीं है, एनसीईआरटी पे एकदम फोकस्ड रहना है, उसके सारे डायग्राम को देखते रहना है, जब ये चैप्टर चल रहा है तो आपका 3 से 4 बार पूरा एनसीईआरटी क्या हो जाना चाहिए, उस चैप्टर का खत्म हो जाना चाहिए, आपको पढ़ लेना है, जैसे हम अगले क्लास में पढ़ाने वाले हैं फंजाई, ठीक है, तो आपका मोरल ड्यूटी बनता है कि फंजाई को क्या कर ले एक बार पढ़ ले, समझ में आ गया, बहुत मजा आएगा, फिर आप पढ़िएगा, समझ में आ गया, जो भी कंफ्यूजन होगा डाउट होगा एनसीईआरटी पढ़ते समय वो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे धीरे धीरे, वो सब क्या होगा क्लियर होता जाएगा, एग्जांपल्स याद होता जाएगा। तो ये कब होगा, जब आप पहले से पढ़ के अगर वीडियो देखते हैं, पहले से पढ़ के ये क्लास लेते हैं, तब आपको ज्यादा मजा आए, समझ में आ गया, इसलिए एनसीईआरटी आप पढ़ के आइए, जो पढ़ाने वाले हैं वो, और जो पढ़ा लिए वो भी एनसीईआरटी पढ़, समझ में आ गया, रोज बस आधा घंटा रोज एनसीईआरटी पढ़ने का आदत डाल दो, फिर देखो क्या होता है, जबरदस्त कमांड हो जाएगा आपका एनसीईआरटी पे, समझ में आ गया।
है, लेकिन आपको आधा घंटा फुर्सत नहीं मिलता है। प्रोटोजोन्स क्या? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जिसको मिलता है वो बहुत अच्छा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये इसके पास क्या भाई, लोकोमोशन करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है। तो ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होगा या पैसिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होगा? ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो नेक्स्ट इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, एक्टिवली मूविंग विद द हेल्प ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। एक्टिवली मूविंग with the help of thousands of cilia। क्या होता है इसके पास? thousands of cilia होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या, इसके पास ना जैसे ये पैरामीशियम का डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे ना ऐसे करके एक ओपनिंग दिया हुआ है। इस ओपनिंग को कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्या है, सीलिया लगे हुए हैं जो लोकोमोशन में मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ओपनिंग दिया हुआ है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, गलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गलेट कहते हैं। पैरामीशियम का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायग्राम वगैरह सब इम्पोर्टेंट है, क्लियर। चलिए तो हम क्या बोल रहे थे, आपको पता है पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक होता है छोटा न्यूक्लियस जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, बड़ा न्यूक्लियस जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अलावा पैरामीशियम में होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जैसे हमारा किडनी काम करता है ना हमारे ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, वैसे ही अमीबा में या फिर पैरामीशियम में उसको, उसके बॉडी को, उसके सेल को ऑस्मोरेगुलेट करने के लिए, वाटर सॉल्ट को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है पैरामीशियम में। समझना आया? जो पैरामीशियम में वाटर को बैलेंस करता है, कहीं लिख लेना। समझना आया? गलेट होता है, पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होता है, छोटा वाला न्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है या जर्मिनल न्यूक्लियस होता है, बड़ा वाला न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है। खैर छोड़िए, नेक्स्ट छोड़िए, नहीं कहीं आप कॉपी के हेड पे इस चीज को लिख लीजिए। अब कहाँ था? नेक्स्ट, इसके पास गलेट होता है जो बाहर की तरफ खुलता है, लेकिन ये दे हैव अ गलेट ओपन आउटसाइड द सरफेस। दे हैव गलेट ओपन आउटसाइड द सरफेस, ओपन आउटसाइड द सरफेस। एग्जाम्पल क्या है इसका? पैरामीशियम। क्या एग्जाम्पल है? क्लियर है। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स, लास्ट वन स्पोरोजोन्स। भाई स्पोरोजोन्स में क्या लिखेंगे, इसके लाइफ साइकिल में क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, इंसेक्टिव स्पोर्स होते हैं। तो लिखेंगे इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ स्पैन। क्या? इन देयर लाइफ साइकिल। इन्फेक्शियस स्पोर्स आर प्रेजेंट इन देयर लाइफ स्पैन। Infectious spores like stays in their life span in their life cycle. Example क्या है इसका? Plasmodium। क्या है इसका example? Plasmodium। सुनना भाई ध्यान से, Plasmodium तो हो गया genus। इसके बहुत सारे species होते हैं, Plasmodium falciparum, Plasmodium falciparum, Plasmodium malei और तीसरा होता है Plasmodium malei। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट लेथन मलेरिया कौन कॉज करता है, आपका जवाब होगा Plasmodium falciparum। कौन करता है भाई?
प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम ये मोस्ट लेथल मलेरिया कॉज करता है, मोस्ट डेंजर मलेरिया कॉज करता है कौन, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, ये आपको बस याद रखना है ठीक है। इसके लाइफ में एक स्पोर्स बनते हैं, एक स्पोरोजोन्स बनते हैं जो इन्फेक्टिव होते हैं, क्या जो इन्फेक्टिव होते हैं, जिसको स्पोरोजॉइट कहते हैं। जब आप 12th में ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीज पढ़िएगा वहां पे मिलेगा स्पोरोजॉइट, ये इन्फेक्टिव स्टेज है किसका, मलेरिया का, सॉरी प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजॉइट्स, ठीक है? है अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स बनते हैं या इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं स्पोरोजोन्स के लाइफ में या प्लाज्मोडियम के लाइफ में, उस इन्फेक्शियस स्पोर्स को क्या कहते हैं, स्पोरोजोन्स कहते हैं, क्लियर है? और ऐसा देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में, और प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम तीन तरह का होता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मेलाई एंड प्लाज्मोडियम मलेरी, इसमें मोस्ट लेटर कौन है, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम का, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। चलिए तो यहाँ पे आके अपना किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हुआ, किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हुआ। एक बार रिकैप करते हैं बस छोटे से पॉइंट को, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म भी है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पैरासाइट लाइक ऑर्गेनिज्म है, यानी लगभग सब तरह के फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी है, है ना, फंजाई लाइक कौन था, स्लाइम मोल्ड्स था। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, बस सब में एक चीज तो कॉमन है सर, क्या कॉमन है कि सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। तो यानी सर कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म हमको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मिल जाए उसको हम किस डब्बे में डाल दें, प्रोटिस्टा वाले डब्बे में डाल दें, यानी प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दें, आंख बंद करके समझना है। तो खैर ऐसे ही ना कंफ्यूजन हुआ, पहले दो एल्गी था, क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला जो है ना यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी है, क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी है। पहले हम इसको पढ़ते थे एल्गी में, मतलब ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक सारा प्रॉपर्टी एल्गी वाला है, समझ में आ गया, कौन, क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास, कैसा है भाई, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी था। तो अब इसको रिसेंटली किसमें रखा गया है, एल्गी से हटा दिया गया है, एल्गी में मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, क्या, मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, भले ही यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, आप बंद करके उसको किसमें डाल दे, किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दे, इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में। तो एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना, क्या, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्या लिखेंगे, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी, यूनिसेलुलर क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी आर प्लेस्ड इन, आर नाउ प्लेस्ड इन किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा किसमें रख दिए, किंगडम प्रोटिस्टा में अब रखा हुआ है ये यूनिसेलुलर एल्गी को। नेक्स्ट अपना जो किंगडम है वो क्या है, फंजाई है, क्या भाई, फंजाई, फंजाई किंगडम के बाद प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम है। इस चैप्टर में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको मोनेरा किंगडम पढ़ा दिया है, बस इंट्रोडक्शन, मोनेरा किंगडम के बारे में और डिटेल में जब आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे ना वहां पे पढ़ लेंगे, क्लियर है? और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में तो कुछ वहां पे हम पढ़ा देंगे आपको, क्लियर, ठीक है? लेकिन हम सीट का कुछ जो मोनेरा किंगडम के में जो सीट में दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट उसको हम टिक आउट करेंगे, आप पढ़िएगा, जो डाउट होगा आप उसको पूछिएगा, हम आपको बताएंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, विश्वास रखिए, छोड़ेंगे कुछ नहीं। हमें तो हम किंगडम मोनेरा पढ़िए, मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई भी आपको इसी चैप्टर में दिया हुआ है, क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में।
प्लांट किंगडम के लिए अलग सा चैप्टर बनाया हुआ है चैप्टर 3, और एनिमल किंगडम का अलग चैप्टर बनाया हुआ है चैप्टर 4। समझ में आया ना? चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। क्या पढ़ेंगे, क्या शुरू करेंगे? किंगडम फंजाई को आप एनसीईआरटी से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, 3-4 बार आपको पढ़ लेना है, किंगडम फंजाई भी पढ़ के आना है। कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे, तो डाउट आप पूछिएगा यहाँ तक, कहाँ तक? प्रोटिस्टा किंगडम तक। समझ में आ गया? फंजाई आपको समझ में आए या ना आए, बस एक बार पढ़ लेना है। समझ में आ गया? जब क्लास यहाँ पे लेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा।